भाई ये क्या है, ए टू जी कमिंग सून, क्या सीन है ये? बारी पासी खटने गया सी, खट के ले आंदे खीरे। सो वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर दिल से। स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश व्लॉग में। सो गाइस आज की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं अपने व्लॉग की नूरपुर हिमाचल प्रदेश में, जो कि धर्मशाला से अप्रॉक्स 60-70 किलोमीटर पहले पड़ता है। और आज सुबह हमारा पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकला था। सगन हम लोग ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, जो कि मेरे भाई की शादी है नूरपुर में। और अभी शाम के बज चुके 7, हम लोगों को यहाँ पर पहुँचते बज चुके थे 5 से 6 के करीब। और टोटल डिस्टेंस हमारा जो पड़ा था भाई 650 किलोमीटर का पड़ा था मेरे घर से लेकर यहाँ तक का। और ठीक 7 बजे देख रहे हो भाई यहाँ पर कितना अंधेरा हो चुका है, कोहरा वगैरह बिल्कुल। और गाड़ी हमारी उस साइड पे खड़ी हुई है और यहाँ पर अपनी जो है डेकोरेशन वगैरह बिल्कुल अच्छे से हो रखी है। जैसे कि शादी का घर है तो आप समझ ही सकते हो कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। उस साइड अपना डीजे वगैरह लगा हुआ है। अब जो है मेहंदी की रात है यहाँ पर, और उसके बाद कॉकटेल पार्टी वगैरह होगी। सो मैं वो मिस नहीं करना चाह रहा था और थोड़ा बहुत सुबह ही फटाफट से रेडी वगैरह हो चुका हूँ। पीछे चलूँगा आपको दिखाऊंगा भाई कैसे कैसे यहाँ पर इन्जॉयमेंट होती है, क्या क्या हिमाचली सॉन्ग्स होते हैं और लोग कैसे नाचते वगैरह और हम भी उसमें कैसे शामिल होते हैं, क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। सो आप भी वीडियो में ऐसे बने रहो और देखना कि भाई कैसे यहाँ पर जो हिमाचल शादी होती है और क्या क्या उनकी रस्म वगैरह होती है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई आज मेहंदी की रात और शादी वाला दिन, तो ये दोनों दिन का कंटेंट आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और चलते हैं आपको दिखाते हैं भाई कैसे यहाँ पर इंजॉय करते हैं लोग हिमाचल शादी में, कैसे कैसे डांस करते हैं। और टोपी मैंने भाई से मंगवाई है स्पेशली कि भाई मैं भी यहाँ पर आके हिमाचली टोपी पहनूंगा। मिलता हूँ आपको सीधा जब यहाँ पर डीजे वगैरह लग जाएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अपने भाई ने एक कलाकारी वाली चीज करी है पीयूष भाई ने, कि भाई होने वाली तो कोई है नहीं लेकिन उसका नाम लिखवा दिया अपने हाथ पे मेहंदी की रात पे। और नाम क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ क्या है भाई, ये क्या है ए टू जी कमिंग सून, क्या सीन है ये? बड़ा हरामी हो बेटा। भाई कह रहा कोई ना कोई तो आएगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत। और नए दिन की शुरुआत कुछ ऐसी दिख रहा होगा आपको सामने, फुल फॉग हो रखी है। आज का सीन हमारा ये है कि भाई आज हम लोग है, आज है हल्दी और हम लोग प्रॉपर अच्छे से तैयार वगैरह हो चुके हैं। यहाँ मेरा भाई खड़ा है, बड़ा भाई, और उस साइड है पीयूष भाई। आज का ड्रेस कोड अपना जो रहने वाला है वो अपना रहने वाला है ये पीले कलर का कुर्ता पजामा, हमने देखा होगा कल वाले शॉट में। मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इंजॉय करा होगा जैसे कि हम लोग इंजॉय कर रहे थे मेहंदी की रात और कॉकटेल की। एंड आई होप आपको भी बढ़िया लगा होगा, यहाँ पर जो हिमाचल सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे उस पर भी हम लोगों ने डांस वगैरह करा था। चलो फटाफट से चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं भाई क्या रस्म होती है यहाँ की, फर्स्ट कैसा रहता है। उसके बाद हम लोग कोई यहाँ पर जाएंगे एक मंदिर, मंदिर के बाद फिर भाई ढोल नगा रहेंगे, सारी चीज़ आपको वीडियो में पता चलती रहेंगी। गोरा माता नाद छिटे करवाइये चार गोरे छोट मातृका भ्यो नमनमा, गोरा माता टिक्का फुल चौड़ बीच रायना गोरजा माता की फुल चौड़ टिक्का माता गोरा ध्यान का नाम गोरी। 5 minutes later
सखिया ने सजना है मैं भी सवरना है आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावे आज सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर चिट्टा कुकड़ बने रे ते चिट्टा कुकड़ बने रे ते काश में दुपट्टे वाली मंगा सदके तेरे काश में दुपट्टे वाली अखियां मेरी पूछ रही माता है ना ये हमारे कुल की देवी है ये हमारे परिवार की रक्षा करती है परिवार की बढ़ोतरी करती है जो भी हम शुभ कार्य करते हैं जैसे मकान की प्रतिष्ठा करते हैं तो फिर भी कुल माता को अपने घर में लेके आते हैं। अच्छा। दूसरी बात जब विवाह शादी होती है फिर भी हम इसको लेके आते हैं। ठीक है। और जैसे सत्यनारायण की कथा करवाएगी पूर्णमासी का मोह ध्यापन तो हम दूर दूर से इसको प्रणाम करेंगे। ठीक है। तो इसका मकसद जो हमारे बुजुर्ग थे ना वहाँ से प्रथा चली हुई है तो हम जो भी काम करते हैं पुण्य का काम करते हैं पूजा पाठ करते हैं मकान की प्रतिष्ठा करते हैं विवाह शादियों में तो इसको पहले हम निमंत्रण देते हैं पहले के दिन फिर दूसरे दिन हम इसको लेके आते हैं तो यही प्रथा है। अपना सारा जो भी काम कार्य है वो सफल हो उसके बाद उनको उनके स्थान पे छोड़ के आते हैं। ठीक है। सो गाइस ये इसका रहस्य रहता है और अपने रजत भाई है जिनकी शादी है बिल्कुल करना और भाई को कांग्रेचुलेशंस कमेंट में जरूर बोलना बाकी जो भी अपडेट रहेगी आपको आने वाले इसमें अगले वाले पार्ट में पता चल जाएगी भाई इसके बाद क्या प्रोग्राम रहता है बाकी है आई होप आपको भी थोड़ा बहुत चलो सिनेमैटिक शॉट्स हमने हल्दी के लिए वो आपको पसंद आए होंगे। चलो मिलते हैं आपको सीधा शादी पर। रुको जरा सबर करो
तो भाई फाइनली व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। और भाई एक चीज तो मैं बताना आप लोगों को भूल ही गया हूँ भाई, मैं कहाँ पर आया हूँ। आप लोग अगर चैनल पे पुराने हो तो भाई इन भाई को तो जरूर जानते होंगे, ये अपने आशु भाई है, इनके भाई की शादी थी। और कैसा लगा भाई, मतलब मैं पूछ रहा हूँ फिलहाल, मुझे इनको मुझसे पूछने थे भाई कैसा लगा, लेकिन भाई एक नंबर था एक्सपीरियंस। और ये अपना वेन्यू था और अब टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है ना भाई। और अब हम भी अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, रात के बज चुके हैं 3, ठंड हो चुकी है इस टाइम बहुत ज़्यादा, रेस्ट करेंगे। बाकी आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, जितना भी हम लोगों ने कंटेंट बनाया है। कुछ कुछ पार्ट जो है हम उससे मिस हो गए थे क्योंकि इधर उधर काम में लगे हुए थे हम लोग भी। और भाई इंजॉय तो एक नंबर करा है, आप लोगों ने शॉर्ट में देख ही लिया होगा कैसे हम लोग नाच वगैरह रहे थे। फिलहाल मैं तो नहीं नाच रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, मेन फोकस उसी का था। एक हिसाब से इन्होंने हिमाचल का एक लुत्फ उठाया है, हाँ। कि हिमाचल की शादी कैसी होती है, हाँ। कुछ चीजें इन्होंने मिस कर दी हैं। तो गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर फंक्शन अटेंड करे हैं 2 से 3 दिन जितने भी हमारे यहाँ पर लगे हैं, और जितना भी यहाँ पर अरेंजमेंट था खाने पीने का, डेकोरेशन वगैरह का, वो सब इन भाई ने करा है जो कि पड़ता है नूरपुर हिमाचल प्रदेश में। इनकेस आपको यहाँ पर जो भी मेरे यहाँ का बंदा लोकल में आपको मेरी वीडियो देख रहा है और यहाँ पर कोई भी फंक्शन वगैरह अपने बुक करवाना चाह रहा है, तो भाई इनको कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा। बाकी भैया एक बार अपनी मुंह जबानी में बता देंगे भाई कांटेक्ट नंबर क्या है, और एक बार अपना नाम भी बता दो। 9318988856 माय नेम कनव सोगा, और सोगा कैटरर्स हमारी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। तो भाई ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एंड आई होप हमारा ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हिमाचल प्रदेश की शादी का, और मेरा फर्स्ट व्लॉग है होगा यूट्यूब पे जो मैं अपनी पर्सनल वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा शेयर करना अगर आपको पसंद आई तो। एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगला व्लॉग भी कोई भी बहुत ही बढ़िया से ट्रैवल वाला रहेगा। सो टिल देन अपना प्यार ऐसे बनाए रखो, टेक केयर।